नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजाला। ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी ने खेती की अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त की है। और पिछला वीडियो जो हमारा था कि स्ट्रॉबेरी में लगने वाला सबसे भयंकर रोग, जी हाँ किसान दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में लगने वाला सबसे भयंकर रोग क्राउन रोट में आप सभी किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया है, तो उसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो फिर से हम लेकर आए हैं एक नई खेती की नई जानकारी। जी हाँ किसान दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लौकी की आधुनिक खेती पद्धति, क्योंकि लौकी की आधुनिक खेती पद्धति में आज हम जानेंगे लौकी में प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की। और साथ में हम आपको लौकी की खेती में जैसे कि तीन पद्धतियां होती है, साधारण खेती पद्धति, मछान विधि से खेती और वर्टिकल पद्धति से खेती, ये तीन तरीकों से कैसे किसान भाई खेती करते हैं और कैसे इनको फायदे मिलते हैं, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान दोस्त, अगर लौकी की हम बात करें तो लौकी वो भारतवर्ष में उगाई जाने वाली सबसे ज्यादा, क्योंकि लौकी अपने बहुत ही औषधीय गुणों से बहुत ही भरपूर है और किसान दोस्तों को उसमें अच्छा मुनाफा भी मिलता है। तो लौकी की खेती की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लौकी के लिए कौन सी मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। तो किसान दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लौकी के लिए दोमट मिट्टी और काली मिट्टी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस मिट्टी में अगर किसान भाई अपने लौकी की खेती करते हैं तो उनका प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है और साथ में लौकी का जो पौधा है उनका ग्रोथ भी अच्छा होता है। किसान दोस्तों, मिट्टी की बात की है, अब हम जानेंगे कि लौकी की खेती करने के बाद उसकी खेत की तैयारी कैसे करते हैं। अगर कोई भी किसान दोस्तों को अपने खेत की तैयारी करनी है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर ले। खेत का लेव परीक्षण करवाने के बाद, जी हाँ किसान दोस्तों, मिट्टी का परीक्षण करवाने के बाद आपको जो भी खाद की कमी उसमें महसूस होती है वो सभी खाद की पूर्ति आप अपने मिट्टी में कर सकते हो, क्योंकि खेत की प्रिपरेशन करने के बाद आपको लौकी की खेती में बेड बनाने की जरूरत रहती है। तो बेड बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2.5 से 3 फीट का बेड बनाना है। बेड बनाने के बाद आपको जो बेड के बीच की जो दूरी है वो दूरी आपको 4 से 5 फीट रखनी है। वैसे तो किसान दोस्तों, जो साधारण पद्धति से जो खेती करते हैं वो किसान दोस्तों बेड के बीच की जो दूरी है वो 2 से 3 फीट रखते हैं, क्योंकि साधारण पद्धति से जो खेती की जाती है उसमें जो प्लांट का स्पेसिंग है वो वैसे किसान दोस्तों 2 से 3 फीट रखता है। और इसमें कोई भी वास की भी जरूरत नहीं रहती है, कोई भी सपोर्ट की भी जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि साधारण पद्धति से जो खेती करते हैं उसमें डायरेक्ट बीज की बुआई करने के बाद किसान दोस्त उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और ऐसे ही वेले की वृद्धि होती रहती है। दूसरी खेत पद्धति के बारे में बात करें तो दूसरी जो हमारी पद्धति है वो है मचान विधि से खेती। जी हाँ किसान दोस्तों, 70% किसान मचान विधि से खेती करते हैं। मचान विधि से खेती करने में किसान दोस्तों को क्या क्या जरूरत रहती है। मचान विधि यानी कि एक छत की तरह उसके ऊपर एक पंडाल बनाया जाता है, वो पंडाल में GI वायर है, एग्री वायर है, उनका पंडाल बनाने के बाद जो अपनी जो लौकी है उनको 3 से 4 फीट की दूरी पर या फिर 10 फीट की दूरी पर भी किसान भाई लगाते हैं, और जो बेड के बीच की जो दूरी है वो दूरी 7 से 8 फीट रखते हैं। मचान विधि से जो भी किसान दोस्त खेती करते हैं उनमें फायदा यही है कि जो फ्रूट रहेंगे वो लटकते हुए रहेंगे और फ्रूट का इजीली हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो। और अगर मचान विधि से खेती करते हैं तो उनमें आपको ध्यान यही रखना होगा कि नीचे के जो जितने भी लौकी के पत्ते हैं वो पत्ते आपको तोड़ने होंगे। अगर आपने वो पत्ते नहीं तोड़े तो उसमें क्या रहेगा कि फंगस का डेवलपमेंट होगा और सनलाइट नहीं मिलने से वहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू का भी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी विधि है, वो विधि है वर्टिकल विधि से खेती। जी हाँ किसान दोस्तों, वर्टिकल विधि से खेती में किसान भाई को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वर्टिकल विधि में क्या रहता है कि पौधों से पौधों की दूरी 4 से 5 फीट तय करके उनके आजू बाजू वास लगाया जाता है और वास के ऊपर एक क्रॉप सपोर्ट नेट। जी हाँ किसान दोस्तों, ये जो क्रॉप सपोर्ट नेट है वो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि क्रॉप सपोर्ट नेट से जो भी लौकी की खेती करते हैं, जो भी वर्टिकल विधि से खेती करते हैं, उसमें वास की जरूरत रहती है और क्रॉप सपोर्ट नेट की जरूरत रहती है। तो क्रॉप सपोर्ट नेट को वास के ऊपर और नीचे इसको एग्री वायर से बांधा दिया जाता है। बांधने के बाद मल्चिंग लगाने के बाद 3 फीट की दूरी पर आपको ये जो अपनी लौकी है उनका सीड या फिर जो सीडलिंग है वो आपको वहाँ पे लगा देना है।
लगाने के बाद जो क्रॉप सपोर्ट नेट में जो भी टेंड्रिल निकलेगी वो टेंड्रिल क्रॉप सपोर्ट नेट के सपोर्ट से ऊपर बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे उनका शाखाओं का विकास भी होगा। अगर किसान दोस्त ने वर्टिकल विधि से खेती करते हैं तो उनमें फायदे यही है कि जो लौकी का जो फ्रूट का जो ग्रोथ है वो एकदम इवन होगा और साथ में सनलाइट भी अच्छी मिलेगी, जो हवा का जो आवर जावर है वो भी अच्छा होगा, जिसके कारण क्या है कि आपको फंगस का ग्रोथ भी कम मिलेगा और लौकी का जो फ्रूट है उनकी शाइनिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसलिए वर्टिकल विधि से खेती करना बहुत ही फायदेमंद है। तो किसान दोस्तों, हमने जैसे बात की कि बेड प्रिपरेशन करने के बाद आपको मल्चिंग लगाना है। जी हाँ किसान दोस्तों, मल्चिंग एक ऐसी कंपनी का लगाओ, मल्चिंग एक ऐसी क्वालिटी का लगाओ कि जिसके कारण क्या है कि आपका पौधों का विकास भी अच्छा हो, पौधे अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर सके और मल्चिंग फटे भी नहीं। जी हाँ किसान दोस्तों, ग्रोइट का ही प्लास्टिक मल्चिंग का चयन आप इस विधि में कर सकते हो। प्लास्टिक मल्चिंग लगाने के बाद किसान दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि भाई लौकी की बुआई कौन कौन सी सीजन में की जाती है। जी हाँ किसान दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन फार्मर के मन में रहता है कि लौकी की बुआई अगर हम करें तो कौन सी सीजन में करें। तो अगर किसान दोस्तों आपको लौकी की बुआई करनी है तो आप सितंबर से अक्टूबर महीने में भी कर सकते हैं। जी हाँ किसान दोस्तों, अक्टूबर सितंबर महीने भी आप लौकी की बुआई कर सकते हो। अगर आपको बारिश के समय लौकी लाना है तो आपको जून जुलाई में भी आप लौकी की बुआई अच्छी तरीके से करते हो, क्योंकि लौकी में अगर देखा जाए तो ये गर्म ऋतु का पाक है, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा ठंड लगी तो पौधों का विकास रुक जाता है। इसलिए किसान दोस्तों, आपको अगर मार्केट में अच्छा दाम चाहिए और अच्छा सीड ग्रोथ चाहिए तो आपको लौकी का सीडलिंग ग्रोथ करना होगा। जी हाँ किसान दोस्तों, आपको ऑफ सीजन अगर क्रॉप लेना है और 15 से 20 दिन आपको अर्ली हार्वेस्टिंग करना है तो आपको अपने पौधे जब आप बेड प्रिपरेशन करते हो उनसे पहले आपको सीडलिंग ट्रे में अपने लौकी के पौधों को लगाना है। लौकी के पौधों का ग्रोथ करने के बाद जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए तब आप मल्चिंग लगाने के बाद उनमें 3-3 फीट की दूरी पर आप अपना जो सीडलिंग है उनको आप लगा सकते हो। सीडलिंग लगाने के बाद किसान दोस्तों, आप सबको जैसे हमने बताया कि वर्टिकल फार्मिंग में जो किसान खेती करते हैं 3 फीट की दूरी पर करते हैं, वो लगाने के बाद आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। आपका सीडलिंग जब आप प्लास्टिक मल्चिंग पर लगाते हो तब लगाने के बाद आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या फिर कोई भी फंजीसाइड जो दवाई है उसका आपको ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करने से फायदा यही मिलेगा किसान दोस्तों कि जिसके क्या है कि जो पौधे की जो मोर्टालिटी है वो कम होगी और पौधों का ग्रोथ अच्छी तरीके से देख सकते हो। प्लांटिंग करने के बाद किसान दोस्तों आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जी हाँ किसान दोस्तों, आज हमने बात किया है कि भाई कौन सी सीजन में हमें लौकी का ग्रोथ करना है। जैसे हमने पहले बताया कि सितंबर अक्टूबर महीने में करना है, जून जुलाई मास में, ऐसे आप सीजन में 2 बार लौकी की खेती कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि लौकी की बुआई करने के बाद इसमें तोड़ाई कितने दिन के बाद आती है। किसान दोस्तों, अगर हम लौकी की तोड़ाई अच्छी करना चाहते हो और आपकी जमीन और आपकी आबोहवा के हिसाब से आप अपने लौकी में अच्छा पैदावार ले सकते हो, इसके लिए मेन बात है आपको अच्छी वेरायटी का चयन करना। तो कौन सी वेरायटी किसान दोस्त लगा सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी वेरायटी मार्केट में अभी अवेलेबल है, लेकिन मार्केट के हिसाब से, आपकी जमीन की अनुकूलता के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से आप अपने एरिया में अच्छी किस्मों का चयन करके आप अपनी लौकी लगा सकते हो। लौकी लगाने के बाद जो पहली तुड़ाई है वो 45 से 55 डेज में आ जाती है। जी हाँ किसान दोस्तों, लौकी में 45 से 60 डेज में आपकी जो तुड़ाई है वो आ जाती है। वो आने के बाद कंटिन्यूस 2 से 3 दिन के इंटरवल में आपको कंटिन्यू तुड़ाई मिलती है। ऐसे अगर 45 से 60 दिन में पहली तुड़ाई होती है तो अगले उनके 60 दिन में आपको अच्छा पैदावार मिलता है। ऐसे किसान दोस्त जो अच्छी किस्म लगाते हैं उनमें मिनिमम 20 से 22 भी तुड़ाई लेते हैं, और जो किसान अच्छी किस्म भी करते हैं और अच्छी खेती भी करते हैं वो किसान 15 से 20 भी तोड़ाई अगर लौकी का आप अच्छा फर्टिगेशन शेड्यूल करते हो, अच्छा खाद देते हो और अच्छी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो लौकी में आप अच्छी तोड़ाई ले सकते हो। लौकी का पौधा जब 2 से 3 फीट का हो जाए किसान दोस्तों, तब आप सबको पता है कि एक टेक्निक है जो लौकी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और वो टेक्निक है 2G, 3G और 4G कटिंग। जी हाँ किसान दोस्तों, 2G, 3G और 4G कटिंग ये लौकी के पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब सबको हम बताते हैं कि 2G कटिंग क्या है, 3G कटिंग क्या है और 4G कटिंग क्या है। किसान दोस्तों, जब लौकी का पौधा 1 मीटर का हो जाए तब 6 से 7 लीव्स के बाद आपको जो उनकी पहली जो अपर वाली जो डाली है उनको वहाँ से तोड़ देना है। तो इससे फायदा यह मिलेगा कि जो साइड ब्रांचेस है उसका ग्रोथ अच्छा होगा। साइड ब्रांचेस का ग्रोथ अच्छा होने से उनमें जो फीमेल फ्लावर है उनकी बढ़ोतरी आपको
मिलेगी और मेल फ्लावर की बढ़ोतरी कम होगी। तो धीरे धीरे ऐसे 2G कटिंग हुआ, फिर जैसे ही 2G कटिंग करने के बाद जो साइड की दूसरी जो ब्रांचेस निकलती है उसका आपको फिर से कटिंग कर देना, तो ये हुई आपकी 3G कटिंग। ऐसे किसान दोस्त अलग अलग जगह पे 2G, 3G और 4G कटिंग करके लौकी का अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत ही अच्छा जाना कि 2G, 3G और 4G कटिंग क्या है और आगे अब हम जानते हैं कि लौकी में प्रोडक्शन कैसे मिलता है। जी हाँ किसान दोस्तों, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो आपकी वेराइटी अगर अच्छी है तो आपको 22 से 25 टन का प्रोडक्शन भी आप अच्छी तरीके से ले सकते हो। अगर कई किसान दोस्त ऐसे भी है, कई किसान दोस्त हमारे से ऐसे भी जुड़े हैं कि उन लोगों ने लौकी में से 30 से 35 टन का भी प्रोडक्शन एक एकड़ में लिया है। तो किसान दोस्तों अगर आपका फर्टिगेशन अच्छा है, आपका फर्टिगेशन शेड्यूल अच्छा है, आप अच्छी तरीके से अगर रोकथाम के उपाय जानते हैं तो लौकी में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। क्योंकि लौकी में सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाला रोग है वो भी हम इस वीडियो के बाद आपको बताने वाले हैं कि अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि लौकी का सबसे खतरनाक रोग, जी हाँ किसान दोस्तों, पाउडरी मिल्यू के बारे में भी हम अगले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो किसान दोस्तों प्रोडक्शन की बात होगी, अब हम जानते हैं कि मार्केट का दाम कैसे मिलता है। किसान दोस्तों ऐसे देखा जाए तो लौकी का एवरेज भाव 10 से 12 रुपया मिलता है, लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल की बात करें तो मार्च अप्रैल में किसान दोस्तों को ज़्यादा भाव मिलता है क्योंकि बाजार में लौकी की कमी होती है और तब किसान दोस्तों को 20 से 22 रुपया तक का भी रेट लौकी की फार्मिंग में किसान ले सकते हैं। अगर हम खर्चे की बात करें अगर तो खर्चे की बात में किसान दोस्तों हम जाने तो लौकी में ऐसे एक एकड़ में आधा किलो से लेकर 1 kg बीज की ज़रूरत रहती है। बीज लगाना, प्लास्टिक मल्चिंग लगाना, ये सब खर्चे की बात करें तो ये सब खर्चा 8000 होता है। प्लास्टिक मल्चिंग का खर्चा की बात करें तो प्लास्टिक मल्चिंग का खर्चा लौकी की फार्मिंग में 11 से 12 हज़ार का होता है। खेत की जुताई और अगर हम बेड प्रिपरेशन में लेबर कोस्टिंग और सब मिलाकर अगर खर्चे की बात करें तो 7 से 8 हज़ार होता है। साथ में अगर लौकी में ट्रांसपोर्टेशन और तोड़ाई की खर्चे को जोड़कर हम बात करें तो ये सब खर्चा होता है 8 से 10 हज़ार रुपया। तो ऐसे हम गिने जाए तो एक एकड़ में लौकी का पूरा खर्चा होता है किसान दोस्तों 50 से 60 हज़ार रुपया। और अगर इनकम की बात करें, एक एकड़ में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो किसान दोस्तों को 1 लाख से लेकर 2.5 लाख का भी प्रॉफिट लौकी की फार्मिंग में अगर अच्छा दाम है और अच्छा प्रोडक्शन है तो भी मिल सकता है। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो में हम आपको और इन्फॉर्मेशन देने में भी छूट गए हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखिए और हम आपको आपके कॉमेंट पढ़कर आपका सवाल का अच्छा जवाब देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ किसान दोस्तों, आप सबको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये वीडियो में और ये यूट्यूब चैनल को, ग्रोइट के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं किसान दोस्तों अगले वीडियो में नई खेतीबाड़ी की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।